खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 500 सालों के इतिहास के बाद इस बार दिवाली यानी कि 12 नवंबर 2023 के दिन चार ऐसे दुर्लभ और महासंयोग का निर्माण हो रहा है जिससे पांच राशि वाले लोगों पर साक्षात माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। इस बार 2023 में दिवाली के बाद से ही पांच राशि वाले लोगों की किस्मत चमकने जा रही है, पांच राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो पांच सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां और साथ ही दिवाली के दिन उनको क्या क्या ऐसे राशि के अनुसार उपाय करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुए। तो चलिए एक एक करते हुए सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए फेसबुक पर, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, इस बार 12 नवंबर के दिन हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व यानी कि दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा और इस बार की जो दिवाली है वो काफी खास और पुण्यदायक भी रहने वाली है, क्योंकि दिवाली पर लगभग 500 सालों के बाद पांच राजयोग बन रहे हैं जिसमें सबसे पहले गज केसरी राजयोग, सौभाग्य योग, आयुष्मान योग, बुधादित्य राजयोग और सस महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है जो कि शुक्रदेव, शनिदेव, चंद्रमा, गुरु और बुध की स्थिति के कारण बन रहे हैं। और इन सभी पांच महाराजयोग के मद्देनजर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फै ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, दिवाली पर बने पांच महायोग धनु राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छे और फायदेमंद माने जा रहे हैं। इन पांच महायोग का अद्भुत संयोग धनु राशि वाले लोगों को कोई भी शुभ समाचार की प्राप्ति देगा और साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन बनेगा। कुल मिलाकर दिवाली के बाद आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी और वहीं जो भी व्यापारी है जो अपना स्वयं का या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं ना, तो उनको व्यापार में काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाई देगा, यानी कि नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की होगी। आपको धन का लाभ होगा जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा और वहीं लेन देन करने के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा और शुभ माना जा रहा है। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग ले रहे हैं ना, तो भी यह समय आपके लिए लाभदायक होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा, परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा यह जो समय है वो आपके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। कुल मिलाकर बात करें तो धनु राशि वाले लोगों को हर तरह से लाभ प्राप्त होगा, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो। नौकरी में आपको दिवाली के बाद प्रमोशन मिल सकता है, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है वो आपके काम से संतुष्ट होंगे और वहीं व्यापारी वर्ग के लोगों को प्रॉफिट होने के कारण इस बार आप धन की अच्छी खासी बचत कर पाएंगे, जिससे अगर आपके ऊपर कोई भी लोन है या पुराना कर्ज है ना, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन तीन महीनों के दौरान आप उस लोन से भी काफी ज्यादा हल्के बनेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार के लोगों के बीच आपसी सौहार्दपूर्ण की भावना होगी। अगर आपके ऊपर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी विवाद बना हुआ था या भाई बहनों के बीच अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा था ना, तो वो भी अब दूर होने वाला है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस बार आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा जिससे आपका जो मन है वो अति प्रसन्नता के साथ भर जाएगा। धनु राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि दिवाली वाले दिन भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न होगी और दिवाली के बाद आपके घर में छप्पर फाड़कर धन की बारिश होने वाली है। चलिए जान लेते हैं दिवाली के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको
ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कोई भी पुराना लोन है या कर्जा वगैरह चढ़ा हुआ है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ते चले जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है और एंगेजमेंट से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए दिवाली के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, पिछले 18 महीनों से गुरु चांडाल योग लगा हुआ था जो कि अब 30 अक्टूबर के दिन ही समाप्त हो चुका है। गुरु चांडाल योग खत्म होने के बाद तुला राशि वाले लोगों के जीवन में कई बड़े और चमत्कारिक परिवर्तन होने वाले हैं। और इस बार दिवाली के बाद आपके जीवन में अगर कोई भी कठिनाई चल रही थी, कोई भी समस्याएं चल रही थी तो वो खत्म होगी और आपको आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और वहीं व्यापार में कोई भी नया पार्टनर आ सकता है या आपका कोई भी पुराना मित्र है ना, उससे आपको सहयोग प्राप्त होगा जिससे काम और कारोबार में बढ़ोतरी होगी, आपको धन का लाभ होगा। तुला राशि वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि आपको व्यर्थ का क्रोध करने से बचना चाहिए और अपनी वाणी का संयम बना के रखें। धार्मिक संगीत के प्रति भी आपका रुझान बढ़ सकता है, किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। बाकी जो भी व्यापारी वर्ग के व्यक्ति है ना, उनको व्यापार में अच्छा मुनाफा होने वाला है। परिवार में अचानक शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है और इससे आपको अपने काम में भी प्रोत्साहन मिलेगा। तुला राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि दिवाली वाले दिन भोजन का जो प्रथम ग्रास है ना, वो गाय या अग्नि को अर्पित करें और उसके अलावा अपने मस्तक, नाभि और जीवा पर केसर मिश्रित जल का लेप करें और उसके बाद दिवाली के दिन भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और उस जल में लाल मिर्च के बीज जरूर मिला दीजिए, यानी कि लाल मिर्च के बीज युक्त जल को भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम बनाया गया है। चलिए जान लेते हैं दिवाली के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कू बड़ा गै छह के को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार की जो दिवाली है ना, वो बहुत ही खास रहने वाली है। आपको अपने किसी भी प्रिय परिजन या दोस्त से कोई भी उपहार मिल सकता है और वहीं नौकरी करने वाले लोगों का भाग्य पूरी तरीके से उनका साथ देगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और व्यापारियों को कोई भी बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है। माता लक्ष्मी जी का अभिषेक कच्चे दूध से आपको करना चाहिए और दिवाली पूजा के बाद माता लक्ष्मी जी की आरती जरूर करें। बाकी मिथुन राशि वाले व्यक्ति कई दिनों से अगर मन में कोई भी इच्छा दबाए हुए थे तो वो बड़ी इच्छा अब पूर्ण हो सकती है और इससे आपका मन जो है वो प्रसन्न होगा। नौकरी करने वाले लोगों को इस महीने इनकम के एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा कई स्रोत बनेंगे। इस राशि के जो भी लोग लंबे समय से अगर किसी भी रोजगार की तलाश कर रहे थे तो उनको सफलता प्राप्त हो सकती है और साथ ही आपका पारिवारिक जीवन भी इस दौरान बहुत ही ज्यादा आनंद के साथ बीतेगा। कुल मिलाकर अपन यह कह सकते हैं कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह जो दिवाली है ना, ये बहुत ही अच्छी और उत्तम रहने वाली है। चलिए दिवाली के बाद अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, इस बार 2023 में यह जो दिवाली है ना, ये मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक मानी जा रही है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से दिवाली पर जो पांच महाराजियों का निर्माण हो रहा है ना, ये मेष राशि वाले लोगों की इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी करवाएगा और साथ ही जो भी व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ही अच्छा बोनस भी मिलने का चांस है और साथ ही
व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी दिवाली के बाद का जो समय है ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुखद माना जा रहा है। सेहत और धन के मामले में भाग्यशाली रहने वाले हैं। कुल मिलाकर इस दिवाली के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की बहुत ही ज्यादा कृपा रहने वाली है और आपको आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन का लाभ भी हो सकता है। और वहीं मेष राशि वाले व्यक्ति अगर कोई भी कुमारी है, सिंगल है, तो दिवाली के बाद आपका कहीं ना कहीं विवाह का योग भी बन सकता है और आपके विवाह की बातचीत चलने से कहीं ना कहीं आपका रिश्ता भी फाइनल हो सकता है। और वहीं जो भी शादीशुदा है, जो दाम्पत्य जीवन में है ना, उनको पति पत्नी के बीच आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और एक दूसरे का साथ और सपोर्ट प्राप्त होगा। मेष राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि दिवाली वाले दिन चांदी की डिब्बी में शहद, केसर और अपराजिता की जड़ रखकर उसे पूजा में शामिल करें और साथ ही अगली दिवाली तक पूरे साल भर उसका पूजन करते रहें। लेकिन ध्यान रहे, इस डिब्बी को कभी भी आप खोले नहीं। अगर आप ये उपाय करेंगे ना तो माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से आपके ऊपर प्रसन्न होगी और आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि के साथ ही धन का लाभ भी होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।